खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रूपवास कस्बे में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। कस्बे के पुराना थाना, नगर पालिका रोड, मेन बाजार एवं अन्य जगहों पर बंदरों ने भयंकर आतंक मचाया हुआ है। आए दिन बंदर महिला और बच्चों को काट लेते हैं। बंदरों के डर से महिलाएं घर की छत पर कपड़े सुखाने भी नहीं जा पा रही है। बच्चों को स्कूल अपने अभिभावकों के साथ जाना पड़ रहा है। इधर आवारा पशु और जानवरों का आतंक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं के चलते कस्बे में डर का माहौल बना हुआ है। कस्बे के लोगों ने प्रशासन से जल्द इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। इस मौके पर रमाकांत कटारा, हरि ओम दत्त कटारा, हरिमोहन शर्मा, बबलू नेता देवेंद्र शर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, हरिशंकर सेठ, सुनील एवं कस्बे के अन्य लोग भी मौजूद थे। पास में गोवंश का और बंदरों का इतना आतंक है, इतना उपद्रव है कि आए दिन किसी न किसी को खा जाते हैं और फिर में पेशेंस बढ़ रहे हैं और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए प्रशासन से वो है सहयोग का। ज्यादातर स्कूल थोड़ा थोड़ा दूर है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनको पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, आने में बंदर उनको खा जाते हैं, भय लगता है, रोते हैं, इसलिए इनकी कोई माकूल व्यवस्था की जाए। भरतपुर से कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।